चरणामृत बना के बस द्वारका में बांटना बाकी है। आप निश्चिंत रहें, नहीं दीजिए। हेलो हाय एवरीवन, आई एम मैक्स पटेल। टुडे इज अ स्पेशल ब्लॉग इन योर राधा कृष्णा सीरियल। गाइज, आज हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, जब मैंने राधा कृष्णा सीरियल में काम किया था दोस्तों, तो वो 2021 में मैंने ऑडिशन दिया था और दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर के महीना में ही दोस्तों मुझे सेलेक्ट किया गया और दिसंबर में ही मेरा शूटिंग स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जो स्वास्तिक प्रोडक्शन से दोस्तों मुझे सेलेक्ट किया गया था। तो वो जो राधा कृष्णा सीरियल था दोस्तों, वो मैंने उमरगाँव में शूट किया था दोस्तों। उसमें मेरा जो करेक्टर था दोस्तों, वो एक अक्ष पंडित का था दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था दोस्तों मैंने उस राधा कृष्णा सीरियल में, जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये जो अभी देख रहे हैं दोस्तों वीडियो, ये मेरा राधा कृष्णा सीरियल का है दोस्तों, जिसमें सीजन 4 का है दोस्तों, एपिसोड 297 है। आप लोग जब हॉट स्टार पर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग 297 एपिसोड लिखिएगा सीजन 4, तो आप लोगों को मेरा यह राधा कृष्ण सीरियल का वीडियो देख जाएगा दोस्तों। मैंने दिसंबर में दोस्तों ऑडिशन दिया था, तो उसी टाइम दोस्तों 2021 में मुझे सेलेक्ट किया गया और राधा कृष्णा सीरियल में काम करने का मौका मिला दोस्तों। वहाँ पे मुझे बहुत सारा सीख मिला दोस्तों, वहाँ पे बहुत कुछ यूनिक मुझे सीख मिला, और हमारे जो डायरेक्टर थे संजय सर, उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे सिखाया और बताया कैसे आगे बढ़ने का है और क्या करने का। फर्स्ट टाइम था दोस्तों जब उतना सारे कैमरे लगे हुए थे दोस्तों, 4-5 कैमरे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर थे और सारा जूनियर आर्टिस्ट हमारे पीछे बहुत सारा जूनियर आर्टिस्ट खड़े हुए थे, और मैं पंडित का किरदार निभा रहा था और श्री शंकर भोले भगवान का भक्त मैं रोल किया था दोस्तों, और उनका पूजा करता था। तो वो बहुत ही अच्छा, मुझे एक्साइटेड हुए दोस्तों कि वो मुझे रोल मिला उस राधा कृष्णा सीरियल में। भी आर्टिस्ट से दोस्तों सभी हमसे सीनियर ही थे, जो कृष्णा का किरदार निभा रहे थे वो एक अच्छे एक मित्र की तरह व्यवहार हम लोग के साथ करते थे दोस्तों। जब हम लोग खाना खाते थे तो हम लोग साथ में रहते थे, और सेट पे इतना इंजॉय करते थे दोस्तों कि आप लोग धड़का मजा गए दोस्तों। बहुत ही हम लोग इंजॉय करते थे दोस्तों, वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता था। और राधा मैम जो थी वो भी बहुत सी प्यारी सी, वो इनसे भी मिले, उनसे भी बातचीत हुआ दोस्तों। वो भी एक अच्छी लड़की है दोस्तों, और अच्छा एक्टिंग वो लोग इतनी खूबसूरत करते हैं गाइज की कुछ कह नहीं सकते। इतनी जैसे हम लोग उनके देख रहे थे दोस्तों शूटिंग, तो दोस्तों आँख से आंसू आ जाते थे दोस्तों, इतना सैड मोमेंट देखने को मिलता था राधा के साथ दोस्तों। और वो लोग है ना, कितने बड़े बड़े हो क्यों नहीं स्क्रिप्ट हो दोस्तों, वो लोग को तुरंत दोस्तों याद करना पड़ता था। स्क्रिप्ट देता था और वो लोग याद करके तुरंत देते। हम लोग को भी जब स्क्रिप्ट मिला तो मात्र 5 मिनट का टाइम दिया गया, 5 मिनट में स्क्रिप्ट याद करके तुरंत मुझे वहाँ पे बोलना पड़ा, एक्टिंग करना पड़ा दोस्तों। और बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। यह 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे आया था, और उस दिन जब मेरे टीवी पे आया था दोस्तों, बहुत ही मुझे खुशी मिला कि मैं एक टीवी पे आया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दोस्तों टीवी पे मैं आऊँगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम जब टीवी पे आया, मैं खुद अपने आपों से देखा, हॉट स्टार पे टीवी पे देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ। और मुझे जो सिलेक्ट किया गया स्वास्तिक प्रोडक्शन के मैनेजर से, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, जो मुझे सिलेक्ट किया गया उसमें, और इससे मुझे बहुत कुछ सीख मिला दोस्तों। उसके बाद मैं 2021 में ही बहुत सारा एल्बम किया, भोजपुरी एल्बम किया था, और उसके बाद फिर 2022 में मेरा एक फिल्म हुआ था दिलदार, वो भी अभी रिलीज होने वाला है दोस्तों। और अभी इस 2023 में मेरा एक और फिल्म बनाया मैंने दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है अपने तो अपने होते हैं, ये भोजपुरी, जिसमें हीरोज हैं रवि यादव हैं, हीरोइन तनुश्री हैं, और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे श्री बालाजी सर हैं। तो इसमें भी मेरा बहुत ही अच्छा योगदान रहा गाइज, और बहुत कुछ सीख इससे मिली। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द इस चैनल पर आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाएंगे दोस्तों,
जो वेब सीरीज है दोस्तों, वेब सीरीज का शूट है दोस्तों इसी एक दो महीने के अंतराल में दोस्तों। वेब सीरीज में मुझे सेलेक्ट किया गया तो वो भी मेरा पहला वेब सीरीज रहेगा, तो वो भी वेब सीरीज आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज़।